ग्वालियर में शादी समारोह के बीच दो गुटों में हुई बहस, पत्थर के साथ जमकर बरसे लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। मानगंज वन क्षेत्र में सियार ने मचाया आतंक, तीन लोगों पर किया जानलेवा हमला, घायलों को हॉस्पिटल में कराया भर्ती, वन विभाग पर ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप। नारी सम्मान और गौरक्षा के लिए मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहे रमेश गिर, 2 फरवरी से कर रहे नर्मदा परिक्रमा, रोजाना 5 से 7 किलोमीटर दंडवत होकर कर रहे परिक्रमा। हमारा एक उद्देश्य, गौ माता परेशान है, कन्या परेशान है, ईमान डूब गया और बीमारी लपक के फैल गई है, इस उद्देश्य से हम निकले हैं कि माँ ये चाहे कि बीमारी चली जाए। मुरैना बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइन हेल्पर की मौत, अचानक बिजली सप्लाई शुरू होने से हुई मौत, ग्रामीणों में आक्रोश, सिहोनिया रोड पर लगाया जाम, पुलिस जांच में जुटी। सिकंदर कंपूर इमली नाके पर मंचले को महिला से छेड़खानी करना पड़ा महंगा, महिला के पति और महिला ने सिखाया मंचले से सबक, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। डबरा में सहायक प्रशिक्षण में नव आरक्षकों का दीक्षांत, परेड समारोह का समापन, बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों का मुख्य अतिथि के हाथों महिला नव प्रशिक्षकों आरक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सर, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी एयरफोर्स के लिए कि मुझे आज ओवरऑल सेकंड बेस्ट का जो मेडल मिला है ट्रॉफी। नागदा पुलिस और गंजा गिरोह के बीच फायरिंग हुई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 पुलिस जवान जख्मी, चोरी के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। पूरा स्टाफ था अलग अलग, जैसी गाड़ी रुक गई उन्होंने जैसे पुलिस को देख लिया, भर्ती बच्चे हम लोग, जैसे पुलिस हम लोग को देखा तो गाड़ी टर्न करने की कोशिश की, फायर ठोक दिया, अरे पुलिस को भागो 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 और फायर ठोकना शुरू कर दिया। उज्जैन की घटिया में 15 साल की लड़की गायब हो गई, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत की, लेकिन लड़की को ढूंढ नहीं पाए, कुछ दिन बाद लड़की के बारे में पूछने से पुलिस ने जान से मारने की धमकी दी। इतने सुनील साहब हमारे और हम जाते और हमारे डांटते डांटते हैं, क्या कहते हैं जगदलपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा एसपीओ कलेक्टर शिष्टाचार भूल गए हैं, दरअसल दंतेवाड़ा से लेकर जगदलपुर तक के कार्यक्रमों में गायब थे एसपी कलेक्टर। मेरी जवाबदारी तो सबको सूचित करने की है और जो आ सकते हैं अधिकारी तो थे, लेकिन कलेक्टर एसपीओ की बात सामने दिख रही है कि नया ट्रेंड देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पटवारी पर लगाया आरोप, फर्जी तरीके से सरकारी जमीन का निजीकरण करने का लगाया आरोप, कार्रवाई ना होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। तो आत्मदाह के लिए मैं ज्ञापन देने आया हूँ मजबूर होकर, कि मेरा आज तक 2019 से आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और जो मैंने मेरा रास्ते का मैटर है। कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र के पास से 3 IED बरामद, इलाके के लोगों में फैली दहशत, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। महासमुंद में तेंदुपत्ता लेने गए ग्रामीणों पर लकड़बग्घे ने किया हमला, हमले में 10 लोग हुए घायल, इलाके में फैली दहशत।
ग्वालियर के माधवगंज इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, दो मासूम बच्चे हुए घायल, कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। इस बुलेट के चलने से जो गिट्टी होती है उसमें लगा और गिट्टी के टुकड़े वहाँ बर्थडे पार्टी में उपस्थित दो बच्चों को उसके टुकड़े लगे। इस पे जो आरोपी है उसके विरुद्ध धारा 308 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जगदलपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कहा, ट्विटर पर भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ दर्ज कराया केस। अत्यंत संवेदनशील मामलों में, देश की सेना के संदर्भ के मामलों में भी टिप्पणियां करना, ये हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है और कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोगों ने मांग की है और आगे कोर्ट में भी इस मामले को दर्ज करेंगे। निवाड़ी जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और छठ लक्ष्मी मंदिर के पास शासकीय जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया। यूनेस्को और मिनी सिटी में आ गया तो ये जो भूमि है वो काफी उपयोगी भूमि है और विकास कार्यों में और निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है और आज हमने इसको खाली कराया है। ग्वालियर में शादी समारोह के बीच दो गुटों में हुई बहस, पत्थर के साथ जमकर बरसे लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। अमानगंज वन क्षेत्र में सियार ने मचाया आतंक, तीन लोगों पर किया जानलेवा हमला, घायलों को हॉस्पिटल में कराया भर्ती, वन विभाग पर ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप। नारी सम्मान और गौरक्षा के लिए मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहे रमेश गिर, 2 फरवरी से कर रहे नर्मदा परिक्रमा, रोजाना 5 से 7 किलोमीटर दंडवत होकर कर रहे परिक्रमा। हमारा एक उद्देश्य, गौ माता परेशान है, कन्या परेशान है, ईमान डूब गया और बीमारी लपक के फैल गई है, इस उद्देश्य से हम निकले हैं कि माँ ये चाहे कि बीमारी चली जाए। मुरैना बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइन हेल्पर की मौत, अचानक बिजली सप्लाई शुरू होने से हुई मौत, ग्रामीणों में आक्रोश, सिहोनिया रोड पर लगाया जाम, पुलिस जांच में जुटी। सिकंदर कंपू इमली नाके पर मंचले को महिला से छेड़खानी करना पड़ा महंगा, महिला के पति और महिला ने सिखाया मंचले को सबक, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। डबरा में सहायक प्रशिक्षण में नव आरक्षकों का दीक्षांत, परेड समारोह का समापन, बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों का मुख्य अतिथि के हाथों महिला नव प्रशिक्षकों आरक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सर, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी एसोसिएट के लिए कि मुझे आज ओवरऑल सेकंड बेस्ट का जो मेडल मिला है ट्रॉफी। नागदा पुलिस और कंजर गिरोह के बीच फायरिंग हुई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 पुलिस जवान जख्मी, चोरी के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। पूरा स्टाफ था अलग अलग, जैसी गाड़ी रुक गई उन्होंने जैसी पुलिस को देख लिया, वर्दी में थे हम लोग, जैसे पुलिस हम लोग को देखा तो गाड़ी टर्न करने की कोशिश से फायर ठोक दिया, अरे पुलिस भागो 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 और फायर ठोकना शुरू कर दिया। उज्जैन की घटिया में 15 साल की लड़की गायब हो गई, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत की, लेकिन लड़की को ढूंढ नहीं पाए, कुछ दिन बाद लड़की के बारे में पूछने से पुलिस ने जान से मारने की धमकी दी। डांटते हैं क्या कहते हैं जगदलपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा एसपी और कलेक्टर शिष्टाचार भूल गए हैं, दरअसल दंतेवाड़ा से लेकर जगदलपुर तक के कार्यक्रमों में गायब थे,
एसपी कलेक्टर। मेरी जवाबदारी तो सबको सूचित करने की है और जो आ सकते हैं अधिकारी तो थे, लेकिन कलेक्टर एसपीओ की बात सामने दिख रही है कि नया ट्रेंड देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पटवारी पर लगाया आरोप, फर्जी तरीके से सरकारी जमीन का निजीकरण करने का लगाया आरोप, कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। तो आत्मदाह के लिए मैं ज्ञापन देने आया हूँ मजबूर होकर कि मेरा आज तक 2019 से आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और जो मैंने मेरा रास्ते का मैटर है। कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र के पास से 3 आईईडी बरामद, इलाके के लोगों में फैली दहशत, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। महासमुंद में तेंदुपत्ता लेने गए ग्रामीणों पर लकड़ बग्घे ने किया हमला, हमले में 10 लोग हुए घायल, इलाके में फैली दहशत। ग्वालियर के माधवगंज इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, 2 मासूम बच्चे हुए घायल, कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। इस बुलेट के चलने से जो गिट्टी होती है उसमें लगा और गिट्टी के टुकड़े वहाँ बर्थडे पार्टी में 25-2 बच्चों को उसके टुकड़े लगे। इस पे जो आरोपी है उसके विरुद्ध धारा 308 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जगदलपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कहा ट्विटर पर भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ दर्ज कराया केस। अत्यंत संवेदनशील मामलों में देश की सेना के संदर्भ के मामलों में भी टिप्पणियां करना ये हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है और कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोगों ने मांग की है और आगे कोर्ट में भी इस मामले को दर्ज करेंगे। निवाड़ी जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, ओरछा के लक्ष्मी मंदिर के पास शासकीय जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया। यूनेस्को और मिनी स्मार्ट सिटी में आ गया तो ये जो भूमि है वो काफी उपयोगी भूमि है और विकास कार्यों में और निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है और आज हमने इसको खाली कराया है। ग्वालियर में शादी समारोह के बीच 2 गुटों में हुई बहस, पत्थर के साथ जमकर बरसे लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। अमानगंज वन क्षेत्र में सियार ने मचाया आतंक, 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला, घायलों को हॉस्पिटल में कराया भर्ती, वन विभाग पर ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप। अभी आई है गुंडी भाई 40 वर्ष की उम्र है, तो कई घाव पाए गए हैं।